बैंक ने अपना 118वां स्थापना दिवस शुक्रवार 9 अगस्त को राजधानी के मालवीय नगर स्थित होटल हयात पैलेस में मनाया। इस मौके पर टाउन हॉल मीटिंग भी आयोजित की गई, जिसमें बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी शांतिलाल जैन, क्षेत्रीय महाप्रबंधक नई दिल्ली के अजय अग्रवाल, जयपुर अंचल प्रबंधक शशि रंजन गिरी, उदयपुर अंचल प्रबंधक सुमन कुमार सहित इंडियन बैंक की सभी शाखाओं के शाखा प्रबंधक एवं बैंक के स्टाफ उपस्थित रहे। इस अवसर पर शांतिलाल जैन ने बताया कि इंडियन बैंक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का 7वां सबसे बड़ा बैंक है, जो अपनी लगभग 6000 शाखाओं और 20000 टच पॉइंट के साथ आमजन की सेवा में प्रस्तुत है। उन्होंने बताया कि ग्राहक संतुष्टि उनका परम ध्येय है और इसके लिए इंडियन बैंक अपने 40000 से ज्यादा कर्मचारियों के साथ प्रत्येक वर्ग के ग्राहकों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान कर रहा है। केसीसी और एमएसएमई के विभिन्न उत्पाद उपलब्ध हैं। ग्राहकों की निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंक में 5 लाख तक का ऋण भी डिजिटल रूप में उपलब्ध है। साथ ही जैन ने बताया कि बैंक के मोबाइल ऐप इन स्मार्ट पर भी सावधि जमा, पीपीएफ, फास्टैग रिचार्ज, बिल का भुगतान, डिजिटल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं हैं। इस अवसर पर क्षेत्रीय महाप्रबंधक अजय अग्रवाल ने बैंक में महिला सशक्तिकरण की कड़ी में महिला ग्राहकों के लिए विशेष उत्पाद महिला शक्ति के बारे में बताया, जिसमें विभिन्न ऋण कम ब्याज दरों पर उपलब्ध हैं और महिला खाता धारकों के लिए लॉकर किराए में भी 25% तक की छूट दी जाती है। महिला उद्यमियों के लिए स्वयं सहायता समूह ऋणों के अंतर्गत सखी, गृहलक्ष्मी उत्पाद भी उपलब्ध हैं। अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान परिदृश्य में बैंक के सामने रिटेल लोन और रिटेल डिपॉजिट बढ़ाने की चुनौती रही है।